बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडकार्ड पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े दलित आदिवासियों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले दिनों प्रयागराज में एक दलित परिवार की नृशंस हत्या की गई थी। एक ही परिवार के चार लोगों की एक साथ अर्थी उठानी पड़ी थी, क्योंकि कुछ बदमाशों ने देर रात, आपको बता दें कि माँ और बेटे के साथ गैंगरेप करने के बाद चार उस परिवार के जो लोग थे उनको जान से मार दिया था। घटनाक्रम काफी ज्यादा आपको बता दें कि चर्चा में रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब एक और खबर आपको बता दें कि आ रही है कि आज गढ़ में एक दलित समुदाय के जो दंपति था उसको आपको बता दें कि कुछ लोगों ने एक तरीके से देखे तो उनके ऊपर कुछ लोग जो थे उन्होंने आपको बता दें कि उनके ऊपर हमला किया और उसकी वजह से उन लोगों की जान चली गई। यानी कि आजमगढ़ के अंदर दो पति एक पति पत्नी की आपको बता दें कि एक दंपति की हत्या कर दी। इस मामले के अंदर भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता दें कि BSP सुप्रीमो मायावती जी के साथ साथ आवाज उठाते नजर आए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज सुबह ही इस मामले के अंदर सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि दलित पिछड़े आदिवासियों पर जिस तरीके के हमले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनको अब रोकना चाहिए। प्रयागराज में जो घटनाक्रम हुआ उस प्रयागराज की घटना के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह घटनाक्रम हो रहा है और उस घटनाक्रम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में भी आपको बता दें कि घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद अब आजमगढ़ में हो रहा है। ऐसे घटनाक्रमों को रोका जाए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह आपको बता दें कि BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ट्विटर के माध्यम से लिखा था। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने भी उन्हीं की मांग पर आपको बता दें कि इसी तरीके से लिखते हुए उनके तुरंत बाद ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। दलित पिछड़े आदिवासियों पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई, जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और पिछड़े समाज को, दलित समाज को न्याय देने का काम करें। तो यानी कि आजमगढ़ के हुए इस कांड को लेकर विपक्ष एक लंबवत जुट नजर आया। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।